हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोग को एक घाट घुमाने जा रहे हैं जिसका नाम है खिड़किया घाट, और अब उसे लोग नमो घाट से भी जानते हैं, जो कि पूरा का पूरा डूब चुका है और ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। तो चलिए आज आप लोग को उस घाट के दर्शन कराते हैं और गंगा माँ का जलस्तर दिखाते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं ऑटो में और आप लोग को ले चल रहे हैं खिड़किया घाट, जो कि उसे नमो घाट भी बोला जाता है। चलिए सीधे मिलते हैं आपको राजघाट पुल के पास। आ गए, ये देखिए राजघाट पुल के पास में हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, और ये रहा असली व्यू जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ इतने ट्रैफिक में। ये है जो 25 फीट का हाथ है वो डूब चुका है पूरा, तो उसके बगल में जो 12 फीट का हाथ है उसका क्या हुआ होगा ये आप समझ सकते हैं। ये पूरा देखें, पूरा का पूरा एकदम अगल बगल का जो क्षेत्र है पूरा का पूरा जलमग्न हो चुका है। घाट बंद कर दिया जा चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी ऊपर आ चुका है, जो कि पानी अपना डेंजर लेवल क्रॉस कर चुका है। तो इसलिए घाट पे पुलिसकर्मी लग चुके हैं और घाट पे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, इसलिए यहाँ अगल बगल जो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है, बस पानी देखने वालों के लिए, जो कि पानी देख रहे हैं उस वजह से पूरा ट्रैफिक लग गया है। मुझे ये नहीं समझ था कि जो हमारे भारत के लोग हैं वो इतने खाली कैसे बैठे हैं कि बस पानी देख रहे हैं यहाँ पे आए हैं। जितने लोग खड़े दिख रहे हैं आपको सब पानी देख रहे हैं, मतलब कि ठीक है, हम भी तो पानी देखने आए हैं, लेकिन हम आप लोग को दिखाने आए हैं कि आज का वाटर लेवल क्या है। और ये देखिए पूरा का पूरा, और आ गए हम लोग नीचे, जो कि ऊपर देख रहे हैं ट्रेन जा रही है उसके ऊपर रोड है, ये राजघाट पुल है जो कि 1884 ईस्वी में बना था। ये देखिए वाटर लेवल कैसे अपना क्रॉस कर रहा है, बस थोड़ा बहुत और एक दो इंच पानी बढ़ेगा तो पुल तक पहुंच जाएगा। तो यही पुल तक पहुंच जाएगा हमें लग रहा है अगर दो इंच और बढ़ा तो। इसी तरह एक और फिलहाल अभी डैम खुला है, जो कि अगर वो उसका भी पानी यहाँ पे आया तो ये तो भर ही जाएगा। और ये अगल बगल जितने लोग बैठे हैं बेचारे नाव वाले की रोजगार, नाव वालों का रोजगार छिन गया इस टाइम, ये लोग कैसे खा पी रहे होंगे मुझे नहीं आ रहा है। ये देखें ये जो लाइट है ये 12-13 फीट का होता है, इसलिए 15 फीट का होता है, यहाँ तक पानी आ चुका है जो कि सब घाट पे बना था। तो समझ जाइए घाट का इस टाइम क्या हालत हुई होगी, नीचे पानी के नीचे है। और ये कॉलोनी में बाढ़ के पानी से कॉलोनी में पूरा पानी आ चुका है, वहाँ पे देखिए मगरमच्छ आ रहा है। अब कॉलोनी में अगर मगरमच्छ चलेंगे तो फिर इंसान कहाँ चलेंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मतलब इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और बाढ़ के पानी से बचे रहिए। कैसे कैसे करके ये मगरमच्छ काबू में आया, देख लीजिए कितना बड़ा मगरमच्छ है। बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त से पुलिस वाले मिल के, पुलिसकर्मी लोग मिल के, दो तीन चार लोगों की हेल्प लेके कैसे कैसे करके ये जाके बाढ़ मतलब मगरमच्छ काबू में आया है। और ये देखिए इतने लोग, मतलब सबको पानी से इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है यहाँ पे कॉलोनी में, सारा का सारा कॉलोनी में पानी आने लगा। अभी तो फिलहाल स्टार्ट हुआ है पानी आना, अब आगे कितना पानी आएगा ये तो कोई नहीं जानता। अगर आगे ऐसे ही ज़्यादा अगर पानी हो गया तो फिर लाइट वाइट काट दी जाएगी, तो हम दोबारा वीडियो भी नहीं बना पाएंगे, फ़ोन नहीं चार्ज हो पाएगा मेरा। देख रहे हैं सारे लोग धीरे धीरे अपना बोरिया बिस्तर ले कर यहाँ से पलायन कर रहे हैं, कैसे कैसे करके, मतलब ये साइकिल सब तो सब ये साइकिल बीच में खड़ी कर दिए हैं, इनका भी अलग है टेलर है गजब जियो शेर। कैसे कैसे देखिए ये सब खड़े होके, ये स्कूटी दोनों पार्क है, ये स्कूटी बहुत जगह अच्छे से पार्क है। ये देखिए सारे लोग लड़के हैं जो कि छात्र हैं, ये लोग बहुत दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, अब मतलब बहुत दूर दूर के हैं, अब कैसे कैसे करके ये लोग अपने घर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ लाइट वाइट काट दी जाएगी, कोई किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, कोचिंग बंद कर दी जा रही है, कोचिंग बंद है, तो ये लोग कैसे पढ़ेंगे क्या करेंगे। किसी का अगर अगर बगल रिलेटिव हैं तो वहाँ चले जाएंगे, लेकिन जिसका यहाँ पे नहीं है जो बहुत दूर दूर से आए हैं वो तो अपने घर ही जा सकते हैं। तो ऐसे ही तो यही बाढ़ के पानी का इंजॉय करते करते हम लोग अपना मैगी बनाते हैं। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों ने ये देखा कि कैसे बाढ़ का पानी कॉलोनी में घुस रहा है, घरों में घुस रहा है और लोग पलायन होने पे मजबूर हो रहे हैं। तो कृपया कर अपने आप को सुरक्षित रखिए, जाते जाते मैं आपसे यही बोलूँगा कि अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।